ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ ਔਖੀ ਹੋਣੀ ਗੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ? ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਜੀ? ਲਤੀਫ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਠੇਕਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ।
चौधरी शौकत साहब, क्या बात, क्या बात। इस्माइल हिंजरा जैसा भाइयो, जैसा भाइयो, पाशा साहब जो बोले ही होगे बिल्कुल। दूसरी जी कत्ती वाली उचित है Thank you.
हम हाजी रियाज साहब को पंडाल पर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। जय इरशाद साहब जिंदाबाद, 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 जय इरशाद साहब इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, तमाम दोस्त अपनी अपनी निशस्तों पर तशरीफ रखे, तमाम दोस्तों से गुजारिश है अपनी अपनी निशस्तों पर तशरीफ रखे और प्रोग्राम का बकायदा आगाज किया जाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी निशस्तों पर तशरीफ रखे। बहना भाई यार बहना बैठ जाओ, वीर मेरे साइडा में बैठ जाओ, कुर्सियां लगी हैं बैठ जाओ। हजरात अभी थोड़ी देर के बाद जलसा की कार्रवाई का आगाज होगा। जलसा की कार्रवाई से पहले तलावत कुरान पाक होगी। तो तलावत के लिए तशरीफ लाते हैं हाजी रियाज अहमद साहब। तमाम दोस्तों की गुजारिश है कि खामोश होकर तलावत सुने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء والأرض وضعها للعباد فيها فاكهة ونخل ذات والحب ذو العسل والريحان पाक के बाद वक्त बहुत थोड़ा है तो इंतजामिया की जानिब से हुक्म दिया गया है तशरीफ लाते हैं हाजी मोहम्मद यकूब साहब। उनसे गुजारिश है कि वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है। हाजी मोहम्मद यकूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आने वाले मजलिस मेहमान करामी चौधरी इरशाद अहमद अराइन साहब एमजीए 230 राणा साहब शौकत साहब और पाशा साहब हाजी नबी भट्टी साहब को खुश आमदीद कहते हैं और अहले हलका यूसुफ नाग सादिक टाउन फतेह टाउन सिनेमा टाउन मर्जीपुरा से आने वाले लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी साहब सब दोस्तों को पता है कि 25 तारीख को इलेक्शन का काम शुरू हो रहा है, इलेक्शन का दिन है। हम सब दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं कि चौधरी साहब को 25 तारीख को कड़े पर मोर लगाकर चौधरी इरशाद अहमद अराइन को कामयाब करें। चौधरी इरशाद अहमद अराइन की कामयाबी हम सब दोस्तों की कामयाबी है, गरीबों की कामयाबी है, मजदूरों की कामयाबी है, मजलूमों की कामयाबी है। और चौधरी साहब ने पहले भी यहाँ यूसुफ के बहुत काम किए हैं,
सोलों प्यारा किए हैं, बाट साहब ने भी यहाँ थोड़े बहुत काम किए हैं जो मौका मिला है, लेकिन इस वाले को थोड़ा बहुत किया जा रहा है। हम 24 साल से प्रयास करते हैं चला बना आपको कामयाब करें और जो महल के काम रहते हैं उनको मजा दें, जिनमें बिजली के पोल लगे हुए हैं इसका ट्रांसफर का मसला है और तौरक का मसला वो भी हल करवाया जाए। वाटर सप्लाई टूरा यूसुफ लाख वाला ज़्यादा है, इसमें यूसुफ लाख की लाइने नहीं चल रही वो भी टूटवाई जाए। नंबर 3 जेल गलियों में वाटर सप्लाई का मसला हो गया, गुलशर मान से लेना स्कूल तक बच्चों बच्चों वाले स्कूल तक मैटर रोक दिया जाए। यूसुफ लाख सारे यूसुफ लाख में टाप तार लगाई जाए। हम चौधरी साहब के बहुत मशहूर हुए हैं, चौधरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम सब दोस्तों से बुजुर्गों से भाइयों से अपील करते हैं कि 25 तारीख को गढ़े पार निशान लाकर चौधरी इरशाद अहमद अराइन को कादिया कर सारे दोस्तों से अपील की जाती है जो 25 तारीख को बैंड पेपर मिलेगा ना वो स्पैर होगा, उस पर घड़े का निशान होगा, उस पर आपने मोर लगानी है। चौधरी साहब MLA के उम्मीदवार थे लेकिन वो नहीं इलेक्शन लड़े, उस पर भी घड़े का निशान है, लेकिन आपने सबसे पहले पर्ची जो स्पैर आना उस पर मोर घड़े पर लगानी है, उसके बाद यहाँ आपका चर्चा वहां लगाए। शुक्रिया। तो हजरात मैं माजर चाहता हूँ कि यकूब साहब जो करके चशी खान फरमाए उनके बेहद मशहूर है, तो मैं दावा देता हूँ जनाब हाजी मबीन अहमद भट्टी साहब वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्याल से नवाजे। हाजी मबीन अहमद भट्टी साहब हाँ जी, अब आपके सामने फतह ग्राउंड से जो लोग तशरीफ लाए हैं और जिन्होंने चौधरी साहब की हमायत का ऐलान किया है उनमें जनाब मोहम्मद अमजद साहब, मास्टर सईद साहब, डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब, मोहम्मद अफजल साहब, MA शहजाद साहब, फौजी साहब, हाजी शबीर हुसैन, डॉक्टर उमर साहब, शहर पट्टी साहब और मोहम्मद इसहाक साहब। तो मैं इन दोस्तों का बेहद मशहूर हूँ। अब हाजी साहब अपने ख्याल से नवाज। दोस्तों बैठ दो यार, भाई सारे पीछे सारे दोस्त दरमियान कुर्सियां कर दो ताकि बैठ के आसानी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चौधरी इरशाद अहमद अराइन साहब उम्मीदवार बनाए सूबाई असम्बली हल्का 230 को यहाँ फतेह टाउन सादक टाउन और यूसुफ ब्लॉक के दोस्तों की तरफ से उन्होंने इन्वाइट किया। हम बड़े मशहूर हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया और इसके लिए हम आपसे भी माजरत चाहते हैं कि वक्त की जो किल्लत है और जो जलसों का या ये तो कारण मीटिंग जो बुलाई है तो उसमें जा रहा है, थोड़ा सा वक्त तो लग जाता है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा आपके सामने या किसी की बुराइयाँ या अच्छाइयाँ बयान करने की बजाय आप खुद एक एनालिसिस करें, तजिया करें कि ये किसी ज़माने में अब तो ये वार्ड में तकसीम हो गई है, ये 59 यूनियन काउंसिल होती थी, या मैं भी नाजम रहा हूँ, मेरे बाद जवाहर भट्ट साहब भी रहे हैं तो सारे दोस्तों को पता भी है
आप ये अंदाजा लगाएं कि अब जो वार्डों में तकसीम है यही यूनियन काउंसिल जबार भट्ट साहब बिजोरी साहब के साथ हैं, गफार भट्ट साहब बिजोरी साहब के साथ हैं, अमरान गफूर साहब जो इलेक्टेड पर्सन है, तो हम जैसे भी जो कारकुन हैं अल्लाह के फजल करम से इनके अच्छाई इनके अखलाक के से मुतासर होकर, और सबसे बड़ी बात यह कि आपने चार साल में इनको कैसा पाया आप खुद तजिया करें। अगर हम लोग आपसे कहते हैं ना, मैं तो खैर माशाल्लाह सन 86-87 में भी इनके साथ काउंसलर रहा हूँ, उनको उसके बाद 2001 में इनके भाई अल्लाह ताला उन्हें दर्जात बुलंद करे, गरी करहमत करे चौरी रियाज साहब, उनके साथ भी नाजम रहा हूँ, तो मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश ये है अगर खुशकिस्मती से आपको एक अच्छा शख्स आपकी शहर की खिदमत के लिए मिल गया है तो खुदारा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 25 तारीख को घड़े के निशान पर वो लगाकर इनको कामयाब करें। अल्लाह के फजल करम से हम आपसे वादा करते हैं आपकी तोकवात पर ये इंशाल्लाह ताला पूरा उतरेंगे, अगर ना पूरा उतरे हमारा गिरेबान होगा आपका हाथ में। ये शायद मैंने आज तक कभी किसी स्टेज पे इलेक्शन लड़ते देखते स्टेजों पे बात करते हुए, पाशा साहब बैठे हैं मेरे साथ बड़े पुराने दरीना दोस्त हैं, ऐसी गारंटी मैंने पहले कभी किसी की नहीं दी। अल्लाह के फजल करम से आपको जैसे हमने आपकी खिदमत की है इस इलाके में, इंशाल्लाह ये बढ़ चढ़ कर खिदमत करेंगे। सबसे बड़ी इनकी बात यह है कि कोई अननोन पर्सन भी इनको कॉल बैक टेलीफोन करे तो ये कॉल बैक करते हैं, ऐसा अक्सर कम होता है। फिर आपने जो इनकी काविशें देखी, कोई इनमें बरादरी नहीं है, ये बरादरी वाली बात हो तो मुझे इस स्टेज पे नहीं होना चाहिए था, कहीं और होना चाहिए था, इनमें कुछ खास खूबियां हैं तो मैं इनके साथ हूं, बाकी वो मेरे से ज्यादा पाशा साहब समझते हैं, कुछ आप भी इशारा तक समझ जाएंगे। एक हबीब जालम का शेर है, उसका तो खैर वो शायरी के हवाले से काफी लंबा गजल थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं आपको मैंने तरमीम की है एक लफ्ज की। इस शहर में कुछ लोग बिकते हैं, तुम नाम बताओ मैं दाम बताता हूं, खुदा चमकेगा बुरे वाला फैलेगा नूर उजाला। अब मैं जनाब गफार पाशा साहब से इस्तेदा करूंगा कि वो अपने ख्याल से नवाजे। गफार पाशा साहब, दो तीन बच्चे अगर थोड़ा सा बैठ जाए तो बहुत आप ही बेटे थोड़ा साइज में हो ना, अगर अवाम ने अपने लीडर को ना देखा तो फिर फायदा क्या बैठे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कायदे मोहतरम जनाब चौधरी इरशाद अहमद अरई साहब, उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का 230, उनके पहलू में जनाब राना गुलाम मुर्तजा साहब और मेरे बहुत प्यारे दोस्त चौधरी शौकत अली साहब, सरदार फारूक डोगर साहब और जो मौलाना मेरे सामने बैठे हैं, नाम नहीं जानता लेकिन चेहरा शनासी काफ़ी है, तो हाजी मुबीन साहब तो आपको पता ही है कि इस इलाके के हीरो है, रहमत अली कुरैशी साहब अख्तर टाउन के रहने वाले हैं, तो आप जो अहबाब इतनी कसीर तादाद में इतनी रात तक यहाँ तशरीफ फरमा है और जैसा आपने इस्तकबाल किया है चौधरी इरशाद साहब का, इतना इस्तकबाल तो दूरों का नहीं होता जितना आपने चौधरी इरशाद का किया। और ये जगह पर नहीं बल्कि पूरे इलाके में ये जो इस्तकबाल है ये चौधरी इरशाद साहब की कामयाबी की बारात है, जो इंशाल्लाह 25 जुलाई को घरे को फतह बंद करके अपनी मंजिल से हम किनार होगी। आपने
बड़ी बाखबरी रखी है। आपको इल्म है कि पूरे 5 साल तक चौधरी इरशाद साहब ने मुस्लिम लीग नून के एमपीए की हैसियत से इस इलाके की खिदमत की है, बेपनाह तरक्कियाती काम करवाए हैं जो वाजे तौर पर बुरेवाला में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने कमाल की है वो ये है कि अवाम और लीडर के दरमियान जो मिडल मैन बैठता था उसको इन्होंने दफन कर दिया है। पहले आप फोन करते थे किसी डेरे पर, 4 आदमी फोन सुनने के बाद एक ही जवाब देते थे कि एमएलए साहब या एमपीए साहब मसरूफ हैं, मीटिंग में मसरूफ हैं। ये वाज शख्सियत है कि अगर किसी रेडी बांध ने भी फोन किया है तो डायरेक्ट चौधरी शाह ने खुद उठाया है। यही वजह है कि पूरे वाला के वो सियासतदान जिनको इनका अंदाज पसंद नहीं था उन्होंने साजिशें करके नवाज शरीफ का दिया हुआ टिकट कमेटी से मंसूख करवाया। लेकिन चौधरी साहब ने भी अलग ऐलान उनको ठुकरा के ये बात कही, अगर तुमने टिकट नहीं देना तो अपने पास रखो, मैं पूरे वाला की आवाम के पास जा रहा हूं और इंशाल्लाह कामयाब होकर वापस लौटूंगा। लोगों ने चौधरी शाह साहब को कानूनी तौर पर रोकना चाहा, लेकिन मालिक की करम नवाजी से पहली अदालत में भी जो साहब फतेहयाब हुए, हाई कोर्ट में भी फतेहयाब हुए, हाई कोर्ट के डबल बेंच में भी फतेहयाब हुए, और ये फतेह जो है ये आपकी दुआओं का नतीजा है। अब एक मैदान बाकी है जो 25 जुलाई है, इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत से, आपके खुलूस से, आपके इशार से, आपके जज्बे से 25 जुलाई को धरा फतेहमंद होगा और चौधरी इरशाद की जीत का ऐलान होगा। बड़ी बड़ी इन गलियों बाजारों में तकारीर हम कर चुके हैं, हाजी साहब का बड़ा इलेक्शन नाजम के हवाले से भी और कौंसलर के हवाले से भी अवाम ने हमेशा जीता और उनसे मोहब्बत की। जब उन्होंने इतनी बड़ी गारंटी दी है कि अगर आपका कोई काम ना हो तो आप मेरे गिरे पान पकड़ लेना, ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये हाजी मुबीन का जुमला है और इंशाल्लाह ये पूरा होगा कि इस्तकबाल इस अंदाज से होगा कि आपका हर काम होगा। बस मैं चूंकि ये कारवान जो है चौधरी शाह साहब का सुबह 6 बजे से जारी हो सारी है, जितने अहबाब हैं अभी 331 में बहुत बड़ा जलसा था जिसकी वजह से ये जलसा भी लेट हुआ, उसके बाद सेक्रेटरी टाउन में बहुत बड़ा जलसा था उससे फारग होके आपकी जानब आए हैं। ये जो टिकट खींचने वाली कमेटी थी उन्होंने तो इस बात को महसूस नहीं किया, लेकिन बुरेवाला की तहसील की और सिटी की पूरी मुस्लिम लीग ने और बशमूल मेरे कि मैं जिले बिहारी का नायब सदर हूं, हमने उस कमेटी के खिलाफ एहतजाज करते हुए चौधरी इरशाद साहब की हिमायत का ऐलान किया है और इंशाल्लाह 25 जुलाई को चौधरी इरशाद जीत कर ये अवाम की जो टिकट दी हुई है वो उस कमेटी के मुंह पे मारेंगे और इंशाल्लाह इस बात का ऐलान करेंगे कि जिसके साथ अल्लाह की जात हो, जिसके साथ अवाम की जात हो, उसे टिकट की जरूरत नहीं होती, उसे दुआओं की जरूरत होती।
जाने जा रही हूं। अब मैं ज्यादा वक्त न ले जाऊं। जिस साजिशी गरों ने जो चौधरी इरशाद की जात को हक पर डटता हुआ नहीं देख सकते, जो चौधरी इरशाद को मजलूमों का साथी नहीं देख सकते, उन्होंने ये कोशिश की थी कि हम टिकट फारक करवा देंगे और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन चौधरी इरशाद की 5 साल मेहनत और उनकी अपने कारकुनों से, अवाम से, दोस्तों से, अहबाब से ये मोहब्बत थी कि उन्होंने इस बात का अलम उठा लिया कि मैंने हर सूरत में अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब होना। और जिन लोगों ने ये हरकत की उनमें एक नाअहल फकीर है, नाअहल फकीर, नाअहल एमएनए, नाअहल फकीर, जो कि उसने जितने इलेक्शन लड़े हैं वो लोगों के सरमाए से लड़े हैं, अपनी जात से वो कभी पैसे देके इलेक्शन लड़ाई नहीं। 2013 का इलेक्शन चौधरी इरशाद साहब के मान पे लड़ा और 6 महीने बाद उसने मोशन कुशी की के चौधरी साहब के खिलाफ रिट करवा दी, जो अल्लाह ताला की करम नवाजी से चौधरी साहब के हक में हो। जब वो नाअहल हुआ तो उसने अपने भाई को ताजा फकीर बना के खड़ा कर दिया। अब चौधरी इरशाद के खिलाफ साजिशें करने वाले एक नाअहल फकीर है, एक ताजा फकीर है, एक ताजा अमीर है और एक झूठा पीर है। आपकी मोहब्बत से, आपकी निवाजत से 25 जुलाई को नाहिल फकीर, ताजा फकीर, ताजा अमीर और झूठे पीर के इरादों को दफन कर दिया जाएगा और जो भी इरशाद का अलम रहेगा। नाअहल का मतलब समझते हैं? नाअहल वो होता है कि अगर शादी करे तो औलाद ना हो। दूसरी बात, वो निकाह नामे का गवाह नहीं बन सकता, वो पंचायत का सरपंच नहीं बन सकता। उसने चौधरी इरशाद के खिलाफ गला खोदा था मगर अल्लाह ताला ने उसे उस गड़े में खुद ही गिरा दिया। वो सारी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, ये अदालत ने उसे नाअहल किया है। आपको पता है कि 53 हलके में जहां शाहद खाकान अब्बासी और इमरान खान दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पे एक हिजड़ा भी इलेक्शन लड़ रहा है। आपने टीवी पे सुना होगा, वाह चौधरी नजीर तेरी किस्मत, कि पाकिस्तान में कौमी असेंबली के लिए एक हिजड़ा तो इलेक्शन लड़ सकता है मगर चौधरी नजीर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अवाम ने जिस अंदाज से चौधरी इरशाद को मोहब्बत दी है, मैं वादतन भी कहता हूं और दावतन भी कहता हूं कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हजरात ये थे एक गफार पाशा साहब। तो मैं पंजाबी च एक गल पूछनी चाहना, 1 मिनट का टाइम है, वो दोस्त हथ खड़ा कर जो टीवी देखते हैं, हथ खड़ा कर, खुदा नवाज़ नाज़र हथ खड़ा कर। तो टीवी के उत्ते तुसी अक्सर देखते हो जेडे साबका उम्मीदवार इलेक्शन लड़ चुके हैं तो जिन्हों का इस्तकबाल रोड़ा ना हों, चपेटा ना हों, कसूना ना हों, छिदरा ना हों। अलहम्दुलिल्लाह ये वो शख्सियत आ, खुशामद वाली गल नहीं कि जिथे गए हैं थोड़ा ना हों। लख शुक्र, कोई बंदा ये नहीं कह सकता चौधरी साहब तुसी साडे मंडे च की लैन आए। कसम खुदा दी 15 दिन हो गए मेरे नाल चौधरी साहब नूं, मैं अज पहली बारी कहन लगा कि खुश नसीब हो, अल्लाह ताला ने तुहानू इन्नी इज्जत दिती आ कि रात तई तुहाडे दोस्त, तुहाडे शहरदार, तुहाडे वोटर
ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب حافظ باسط علی محمد انور چوری یعقوب ماسٹر محمد اعجاز ڈاکٹر محمد ارشد محمد رضوان محمد ذیشان محمد عثمان محمد راشد اور جو جن دوستوں نے خصوصی تعاون ان میں کیا ہے عبدالجبار بٹ حاجی ریاض رانا یونس اور ندیم حاجی ندیم مٹا اور میرے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نہایت ہی قابل احترام بھائی حاجی مبین بٹی صاحب رانا غلام مرتضیٰ صاحب حاجی شوکت صاحب سردار فاروق ڈوگر صاحب رحمت قریشی صاحب اور میرے پرانے ساتھی مرزا چوہان صاحب اور یہاں لالا والی سرکار دلشاد صاحب بھی بیٹھے ہیں مار بوٹا صاحب بیٹھے ہیں میں کن کن دوستوں کے نام لوں تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا ایک سرمایہ ہے یہ میرے دوست میرے ساتھی ہیں اور یہاں اور بہت سے ایسے دوست جو میرے پرانے چاہنے والے ہیں یہاں موجود ہیں تو میں سب بھائیوں کا خصوصی طور پر ان دوستوں کا جنہوں نے یہ کارن میٹنگ کا اہتمام کیا میں ان بچوں کو دعوت دیتا ہوں بلکہ میرے دفتر والے پہلے ٹائم نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا میں ادھر اپنے حلقے میں تھا پھر انہوں نے کہا جی دیکھو مجھے وہ ٹائم نہیں دے رہے میں نے کارن میٹنگ کرانی ہے تو پھر میں نے وہاں سے فون کیا میں نے کہا بھی اگر ان کا شوق ہے تو ان کو موقع دیں تو میں آ کے یہاں دیکھا تو بچوں نے بڑا کام کیا ہے تو ان کو میں خصوصی طور پر مبارکباد دوں گا اور اہل محلہ کو میں خصوصی طور پر مبارکباد اس لیے دوں گا کہ رات کے 12 بج رہے ہیں اور اس وقت رات کے 12 بجے بڑے سکون سے بیٹھے ہیں میں نے اکثر جلسوں میں دیکھا ہے کہ لیٹ جلسے ہوں لیٹ کارن میٹنگ ہو تو اس پہ اتنا زبد نبض نہیں ہوتا جتنا یہاں موجود ہے تو میں آپ سب محلے والے محلہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں تو تمام بھائیوں کو اہل محلہ کو حلقہ پی پی 230 کے بزرگوں دوستوں کو السلام علیکم دوستوں یہاں جو اسٹیج پہ میرے بھائی بیٹھے ہیں میرا ایک کینڈیڈیٹ بٹی برادری سے ہے یہاں حاجی مبین بٹی صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی میرے ساتھی ہیں ایک ڈوگر برادری سے ہے سردار فاروق ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں اور الحمدللہ یہ بھی میرے ساتھی ہیں اسی طرح اور دوسری برادری ہے جتنے یہاں بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ میں خوش قسمت انسان ہوں کہ اتنی دوست برادریوں والے جن کے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں اور میرے ساتھ رات کے 12 بجے سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان بھائیوں کی میرے ساتھ خصوصی محبت اور پیار ہے بھائیوں میں نے 5 سال کا جو عرصہ گزارا ہے وہ میں نے اپنی ایمانداری سے انتہائی محنت سے نیک نیتی سے اور ایک جذبے کے ساتھ گزارا ہے جذبہ کیا تھا کہ مجھے شوق تھا میں اپنے حلقے کی خدمت کروں غریبوں کے کام آؤں غریبوں کی خدمت کروں مجھے قدر کوئی لالچ نہیں تھا مجھے ایک ہی شوق تھا کہ یہ غریب لوگ
جب میں ان کے کام کروں گا یہ میرے لیے دعا کریں گے, جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربانی کرے گا. اور پھر دیکھا آپ نے میرے خلاف کتنے محاذ بنے, کتنا کچھ ہوا مگر میرا کچھ بھی نہ ہوا, جو محاذ بنانے والے تھے وہ خود ختم ہو گئے. چمکے گا پورے والا, پھیلے گا نور اجالا. بھائیو یہاں یعقوب صاحب نے اپنی گزارشات میں کچھ چیزیں پیش کی, کچھ ترقیاتی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پانچ سال سے پہلے جو دور رہا ہے, اس پانچ سال سے پہلے اس پانچ سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اور آٹھ سال تحصیل ناظم کا دور رہا اس بورے والا میں, اس عرصے میں جو اس بورے والے کا حشر ہوا, جس طرح اس بورے والے کو لوٹا گیا وہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ ان پانچ سالوں میں نے بھرپور اپنی محنت اور کوشش سے بہت کام کرائے, اربوں روپے کی حلقے میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, مگر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے تمام منصوبے نامکمل ہیں. ابھی 50% کام ہوا ہے, 50% کام ہونے والا ہے, چونکہ فنڈ جو مجھے ملتے تھے فنڈ کی کمی کی وجہ سے وہ پورے منصوبے میرے مکمل نہیں ہو سکے. ہمارے میرے حلقہ میں 35 گاؤں ہیں, 23 کچی آبادیاں ہیں, 36 وارڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میری جو آبادیاں ہیں, یہ میرے جو حلقے ہیں, ان میں اتنے ابھی کام ہونے والے ہیں کہ کروڑوں اربوں میں پیسے آئے تو پھر یہ سارے میرے منصوبے مکمل ہوتے ہیں. مگر میں بھائیوں کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی نیک نیتی سے آپ کی خدمت کی ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور آپ بھائیوں نے مجھے پھر دوبارہ اس اہل بنایا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے جو نامکمل منصوبے ہیں, جو میں اپنے دل میں چاہتا تھا کہ میں اپنے علاقے کو, اپنے شہر کو کس طرح خوبصورت بناؤں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کی دعاؤں سے وہ منصوبے ہم مکمل کریں گے. میرا خیال کوئی ایم پی ایم ایل اے اتنا ٹائم عوام کو نہیں دیتا جتنا ٹائم میں دیتا ہوں. رات 12-12 بجے تک آپ کا ٹیلی فون سنتا ہوں, آپ کے مسائل حل کرتا ہوں, اور سب سے بڑی بات یہ رسائی میں نے ہر عام آدمی کو بھی دے دی. میں نے اپنا نمبر دے دیا کہ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے کال کریں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں, آج بھی دوسرے ایم پی ایم میں نے اور بھی ہیں, کوئی ٹیلی فون ہی نہیں سنتا, باقی تو باتیں بات کی ہیں. تو میں تو بیک کال بھی کرتا ہوں, جو کال آتی ہے اس کو بیک بھی کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک میں نے علیحدہ سیاست کر دی ہے, جو پہلی سیاست تھی اس کو دفن کر دیا ہے, جو ڈیروں کی سیاست تھی وہ ختم کر دی ہے. میں تو آپ کا ہمسایہ ہوں, میرا دفتر ہر وقت کھلا ہے, غلام رسول زیدی وہاں موجود ہے, کسی بھی دوست کا کوئی مسئلہ ہو آپ جس وقت بھی چاہیں, آپ کو عزت بھی ملے گی, چائے بھی ملے گی, پانی بھی ملے گا, اور کیا چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھائیوں کی دعاؤں سے پہلے بھی میں نے جو کام کیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کی دعاؤں سے ہم علاقے کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کی خدمت بھی کریں گے. تو اب میں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو سیاست میں نے شروع کی ہے, یا قبضے ہوتے تھے, جھوٹے پرچے ہوتے تھے, یہاں کی سیاست بدماشی ہوتی تھی, یہ پانچ سالوں میں نہ وہ قبضے ہونے دیے, نہ وہ فائرنگ والے سلسلے ہوئے, نہ وہ کرپشن والی سیاست ہوئی, اس کا خاتمہ کر دیا, شرافت کی سیاست کی ہے اور آئندہ بھی شرافت کی سیاست کو جنم دیں گے, ہر شریف آدمی کی عزت کریں گے اور بدماش کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو بھائیوں بات یہ ہے 25 تاریخ کا دن ہے, آپ دوستوں کو 5 سال کے بعد ایک دفعہ یہ موقع ملتا ہے کہ آپ نے اپنا نمائندہ چننا ہوتا ہے, پھر آپ 5 سال پچھتاتے ہیں
अगर आप गलत फैसला कर लें फिर पांच साल पछताते हैं कि ये मैंने गलत फैसला कर लिया। अभी आपके पास वक्त है, मुकाबले के जो कैंडिडेट वो भी सामने हैं, उनकी सबका कारकर्दगी भी आपके सामने है। तो मैं आप भाइयों से गुजारिश करूंगा कि 25 तारीख फैसले का दिन है और मेरा निशान घड़े का निशान है। दो पर्चियां मिलेंगी, एक हरे कलर की होगी, एक सफेद कलर की होगी। जो सफेद कलर की पर्ची है वो एमपीए की पर्ची है, उस पे जो घड़े का निशान है आपने उस पे मोहर लगानी है और उसको कामयाब करना है और उसकी कामयाबी आप सब भाइयों की कामयाबी होगी। और जो दोस्त जिन्होंने मेरी हमायत का ऐलान यहाँ किया है उनका मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और उन दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला कामयाब होने के बाद उनके शाना बशाना चलेंगे, उनको पहले से ज्यादा इज्जत देंगे। और इसके अलावा जिस दिन से मेरा ये काफिला शुरू हुआ है बहुत सी बरादरियों ने ऐलान किया है, बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ मेरे काफिले में शमूलियत अख्तियार किया, क्योंकि ये काफिला ये गरीबों का काफिला है और इसमें लोग जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं। तो मैं भाइयों से गुजारिश करूंगा जो एमएनए का वोट है वो आप जिस मर्जी शख्स को दें, जिसको आप समझते हो कि ये आपकी उम्मीदों में पूरा उतरेगा आप उसको वोट करें। मैं सिर्फ सूबाई असेंबली का उम्मीदवार हूँ और घड़े का मेरा निशान है। आप भाइयों ने मेहरबानी करनी है, बहुत शुक्रिया आपका। एक दफा मैं फिर उन बच्चों का और उन दोस्तों का अहले मोहल्ला का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे इतना टाइम दिया और मेरे लिए इतना इंतजार किया और मेरा वाल आना इस्तकबाल किया। उन भाइयों की बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।